नमस्कार, ऐसे सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिव कुमार तिवारी। आपको छापर के दिव्य अलौकिक साईं राम मंदिर का दृश्य आप दिखा रहे हैं, जो कि श्री लक्ष्मी नारायण जी, हरिजी, नंदू जी राठी परिवार के द्वारा निर्मित है और मंदिर का वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है। रात्रि में विराट और भव्य भजन संध्या के बाद में आज गुरुवार है, साईं बाबा का वार भी है और साथ में इस दिव्य मंदिर का वार्षिक उत्सव है और आज बाबा की विशेष महाआरती यहाँ पर होने वाली है। उसके बाद में बाबा का प्रसाद होगा, भंडारा होगा, जिसमें सैकड़ों भक्त बाबा का अमृतमय प्रसाद ग्रहण करेंगे। आइए, साईं राम मंदिर में आज बाबा के वार्षिक उत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित महाआरती के दर्शन करते हैं। आइए, बाबा की चरण पादुकाओं के दर्शन करते हैं। छापर के साईं राम मंदिर का दृश्य आप देख रहे हैं, जो कि श्री लक्ष्मी नारायण जी, हरिजी, नंदू जी राठी परिवार द्वारा निर्मित है। बहुत ही सुंदर विशाल दिव्य प्रतिमा बाबा की आप देख रहे हैं। आसन पे विराजमान है बाबा और बहुत सुंदर श्रृंगार बाबा का किया गया है मंदिर के स्थापना दिवस पर, वार्षिक उत्सव पर। निर्माता स्वर्गीय सेठ श्री लक्ष्मी नारायण जी राठी के हम दर्शन कर रहे हैं, बहुत बड़े साईं भक्त। और आपका 4 जनवरी 2016 में देवलोक गमन हुआ और उसके बाद में उनके पुत्र हरिजी और नंदू जी के द्वारा पूरी श्रद्धा से इस मंदिर का संचालन चल रहा है। सांप्रदायिक सद्भावना के देव साईनाथ, जिनका मुख्य धाम श्रीडी में है, आरती की तैयारी कर रहे हैं। पंडित जी देख रहे हैं, लक्ष्मीनारायण जी के बड़े पुत्र हरिप्रसाद जी को तिलकार्चन कर रहे हैं पंडित जी और नंदू जी को भी। सेठ लक्ष्मी नारायण जी के दोनों भक्त पुत्र निश्चित रूप से तभी कहते हैं, जननी जने तो भग जन कह दाता के सूर, नहीं तो रजे बांजरी मती गवाजे हूर। तो बहुत ही दानवीर और भक्त पुत्र हैं दोनों लक्ष्मीनारायण जी के और उन्हीं की परंपरा पर चल रहे हैं और बहुत अच्छा संचालन मंदिर का चल रहा है। आपके देवलोक गमन के बाद में एक विराट वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है और अब बाबा की आरती करेंगे दोनों सभी भक्तों के साथ। राम कुमार जी राठी को आप देख रहे हैं, जो कि छोटे भाई हैं लक्ष्मीनारायण जी के, और गोविंद प्रसाद जी जो कि आपके पुत्र हैं। पंडित जी सभी को तिलकार्चन कर रहे हैं। महाआरती से पहले सभी को तिलकार्चन किया जा रहा है। सभी परिजनों को तिलक किया जा रहा है। आरती प्रज्वलित की जा रही है, बाबा की महाआरती होने वाली है। तमाम भक्त आप देख रहे हैं बाबा की आरती में शामिल हो रहे हैं। छापर के साईं राम मंदिर का दृश्य आप देख रहे हैं। दिव्य मंदिर का स्थापना दिवस यानी वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है। आदरणीय लक्ष्मीनारायण जी की धर्मपत्नी जी भी आप देख रहे हैं, नंदू जी और हरि जी की माता जी। माँ के प्रति बहुत श्रद्धा है पुत्रों के, और तमाम परिजन बहनें सभी आप देख रहे हैं इस कार्यक्रम पर उपस्थित है। छापर में पूरा परिवार बाबा का परम भक्त है। आप नंदू जी की धर्मपत्नी जी और हरि जी की धर्मपत्नी जी और बहन भी उपस्थित हैं। तमाम परिजन आप देख रहे हैं यहाँ पर बाबा के वार्षिक उत्सव पर छापर में उपस्थित हैं, बड़ी संख्या में भक्तगण भी। छापर के दिव्य अलौकिक साईं राम मंदिर का दृश्य आप देख रहे हैं, जो कि राठी परिवार द्वारा निर्मित है। स्वर्गीय सेठ लक्ष्मी नारायण जी राठी, उनके पुत्र हरिजी और नंदू जी राठी के परिवार के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और अब इस मंदिर का प्रत्येक वार्षिक उत्सव जब होता है तो भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। कल रात्रि में आपने भजन संध्या देखी, मुझे नहीं लगता कि इस क्षेत्र में इतनी विराट और इतनी भव्य भजन संध्या हुई होगी, जिसमें दिल्ली के अनिल तिलकधारियन पार्टी के द्वारा जिस तरह की प्रस्तुतियां दी गई थी वो निश्चित रूप से लोगों को याद रहेगी। नंदू जी और हरिजी अपने पिताजी के पद चिन्हों पर चल रहे हैं और जिस तरह से मंदिर का संचालन स्थापना से हुआ है, निरंतर वैसा ही चल रहा है। अनेक धार्मिक कार्यक्रम वर्ष में आयोजित होते रहते हैं और
तीन वर्षों के बाद में इस तरह का विराट आयोजन हुआ है, क्योंकि आदरणीय लक्ष्मी नारायण जी पार्टी का देवलोक गमन हो चुका है। अब बाबा की आरती हो रही है, आइए आरती के दर्शन करते हैं। देख रहे हैं बाबा की महाआरती हो रही है। बहुत ही सुंदर दृश्य आप देख रहे हैं महाआरती का।
अभी आरती ले रहे हैं बाबा की। बाबा की आरती ले रहे हैं सभी। सभी बाबा की महाआरती के बाद महाआरती ग्रहण कर रहे हैं। छापर के साई राम मंदिर का दृश्य आप देख रहे हैं, जो कि श्री लक्ष्मी नारायण जी हरि जी नंदू जी राठी परिवार द्वारा निर्मित है। और बाबा के वार्षिक उत्सव स्थापना दिवस की महाआरती हुई अभी, और सभी आरती ले रहे हैं। सभी स्नान ग्रहण करें, भगवान की स्तुति होगी, उसके बाद में सभी प्रसाद ग्रहण करके उसके बाद प्रस्थान करें। Yeah.
और आर्थिक बात से भी परिक्रमा कर रहे हैं बाबा की। छापर के दिव्य साईं राम मंदिर का दृश्य आप देख रहे हैं, जहां पर बाबा के मंदिर का वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है। बहुत सुंदर दिव्य मंदिर का निर्माण स्वर्गीय श्री लक्ष्मी नारायण जी सेठ और उनके पुत्र नंदू जी और उनके भाई के द्वारा करवाए गए हैं। निश्चित रूप से बहुत ही एक ऐसा परिवार है जो साईं बाबा के प्रति बहुत ज़्यादा श्रद्धा रखता है। और यहाँ पर रात्रि में आपने देखा बहुत विराट और भव्य भजन संध्या का आयोजन यहाँ पर किया गया था, और आज अभी बाबा की महाआरती हुई है और उसके बाद में अभी सभी बाबा की परिक्रमा कर रहे हैं और कुछ ही देर के बाद में यहाँ पर भंडारा होगा, बाबा का अमृतमय प्रसाद सभी ग्रहण करेंगे। सभी परिक्रमा कर रहे हैं। सभी बाबा के दर्शन कर रहे हैं। बाबा के मंदिर का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है। प्रसाद जी से पत्नी बाबा का आशीर्वाद ले रहे हैं वार्षिक उत्सव पर, श्री सेठ लक्ष्मीनारायण जी राठी के बड़े पुत्र और पुत्र वधू इंदिरा देवी जी राठी, जो कि सेठ स्वर्गीय लक्ष्मीनारायण जी राठी की धर्मपत्नी जी हैं। अपने बड़े पुत्र वधू का आशीर्वाद दे रही हैं। नंदू जी राठी अपने मित्र पुटिया राजा के साथ, नंदू जी अपने मित्र पुटिया राजा के साथ जो कि चाड़ोवा से पधारे हैं, जैन मैंने समाज से भी है। नंदू जी राठी अपनी धर्मपत्नी जी और माता जी के साथ बाबा का आशीर्वाद ले रहे हैं। मैंने समाज से भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूसराज जी शर्मा भी बाबा के दर्शन करने के लिए पहुँचे हैं और नंदू जी उनका स्वागत कर रहे हैं मंदिर में। वार्षिक उत्सव पर स्पेशल स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं नंदू जी पूसराज जी शर्मा को। छापर के दिव्य अलौकिक भगवान साईनाथ के मंदिर का, साईं राम मंदिर का दृश्य आप देख रहे हैं, जहां पर बाबा के मंदिर का स्थापना दिवस वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है और रात्रि में बहुत ही सुंदर भजन संध्या हुई, जो निश्चित रूप से हमारे आसपास के क्षेत्र में इतनी विराट भजन संध्या नहीं हुई, जिसमें दिल्ली के अनिल तिलकधारी पार्टी के द्वारा जिस तरह की झांकियाँ प्रस्तुत की गई वो यादगार थी। और आज वार्षिक उत्सव के दिन आपने देखा बाबा की दिव्य महाआरती हुई, महाआरती के बाद सभी ने बाबा की आरती ली, प्रसाद ग्रहण किया। अब भंडारा चल रहा है जिसमें सभी भक्त प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, पूरा परिवार आप देख रहे हैं। और एक राजस्थानी कहावत है, जननी जने तो भगत जन, के दाता के सूर, नहीं तो रही जे बांजरी मती गंवाजे हूर। हे माँ वो है जो भक्त को जन्म दे, वीर सूरवीर को जन्म दे। और एक ऐसी माता है इंदिरा देवी जी, जिन्होंने दो सुपुत्र को जन्म दिया जो भक्त हैं बाबा साईनाथ के, क्योंकि सेठ लक्ष्मीनारायण जी राठी ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था, उनकी बहुत श्रद्धा थी। और कहते हैं कि माता पिता तभी अच्छा कार्य कर सकते हैं जब औलाद अच्छी हो और वो उस कार्य में भागीदारी करें, और ये निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि दोनों ही पुत्र बहुत ही धार्मिक प्रवर्तक हैं। वार्षिक उत्सव के उपलक्ष्य में मैं दो शब्द जानना चाहूँगा प्रसाद जी से, कितना अच्छा लग रहा है पिताजी के देवलोक गमन के बाद में आपने इतना सुंदर वार्षिक उत्सव मनाया। मन बहुत खराब हुआ है, आप मैं भावुक हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। मैं नंदू जी से दो शब्द जानना चाहूँगा। आप देख रहे हैं हरिप्रसाद जी अपनी पत्नी के साथ, नंदू जी भी अपनी धर्मपत्नी के साथ है, माता जी के साथ है। और रात को आप देख रहे थे कि दोनों पुत्र माँ के चरणों में बैठे थे जब भजन संध्या चल रही थी, कितना अच्छा लग रहा है। मैं कह रहा हूँ हर वर्ष आप वार्षिक उत्सव मनाए जाते हैं, लेकिन इस बार लग रहा है कि पिताजी का बहुत बड़ा आशीर्वाद है, ऐसी भजन संध्या हमने छापर में नहीं देखी। अब क्या करें, पिताजी नहीं रहे, 100 साल पहुँच गए, लेकिन अब बाबा की कृपा से सब काम अच्छे ही हुए हैं और अच्छे ही होंगे। इसी के साथ जय साईनाथ। कितना अच्छा लगा, रात्रि में बहुत बड़ी संख्या में लोग थे और बहुत सुंदर कार्यक्रम हुआ। हाँ, पब्लिक बहुत थी, लेकिन पिताजी के लिए मन दुख था, बाकी सब अच्छा ही हो रहा है, अच्छा ही होगा हमेशा। जय साईनाथ। आप सुन रहे हैं कि बहुत लोग थे लेकिन पिताजी नहीं थे, लेकिन मैं कहूँगा कि पिताजी शरीर से नहीं थे, सूक्ष्म रूप थे, आज भी वो विद्यमान है, इसी मंदिर में है, क्योंकि उनकी भावनाएं मंदिर से जुड़ी हैं। और वो किसी भी कार्यक्रम अगर होता है तो उनमें उनकी प्रेरणा, उनका आशीर्वाद रहता है। और रात्रि में जो कार्यक्रम हुआ, उनकी उपस्थिति भी इतना सुंदर कार्यक्रम हुआ जितना सुंदर कार्यक्रम रात्रि में, इससे साफ पता चलता है कि सेठ लक्ष्मीनारायण जी आज भी यहाँ पर है, इस मंदिर में है और बाबा का आशीर्वाद लेते हैं और अपने परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि उन माता पिता का आशीर्वाद यूँ ही इन पर बना रहे जी।
हाँ बिल्कुल, आप पीछे एक बार फोकस करें, पीछे मंदिर के ठीक पीछे आप देख रहे हैं पास में सेठ लक्ष्मी नारायण जी राठी का चित्र भी लगा है जो हम लगातार बार बार दिखा रहे हैं। आप महान भक्त हैं इस मंदिर में, कई साईं बाबा नहीं, यहाँ पर राम दरबार है, दुर्गा माता है, शिव मंदिर है, राधा कृष्ण मंदिर है, बालाजी महाराज का मंदिर है, सभी भगवान को मानने वाला परिवार है और ये परिवार निश्चित रूप से एक धर्मनिष्ठ परिवार है। और मैं साईंनाथ भगवान से ही प्रार्थना करूंगा कि इस परिवार पर कृपा दृष्टि बनाए रखे ताकि इसी तरह से छापर में धार्मिक कार्यक्रम होते रहें और सब इसका आनंद लेते रहें। अब आपको भंडारे का दृश्य दिखाते हैं जहाँ पर सभी बाबा का अमृतमय प्रसाद ले रहे हैं। स्वर्गीय सेठ लक्ष्मी नारायण जी का परिवार, बीच में सेठ लक्ष्मी नारायण जी की धर्मपत्नी जी इंदिरा देवी जी और पुत्रियाँ, पुत्र और पुत्रवधुएँ, बहुत ही श्रद्धा है भगवान के प्रति परिवार की। माताजी बेटियों का आशीर्वाद दे रहे हैं। साईंनाथ बाबा की बड़ी कृपा है राठी परिवार पर, माँ के प्रति बहुत श्रद्धा है और जो माता पिता का सम्मान करते हैं वही जीवन में आगे बढ़ते हैं। विशाल भजन संध्या साईं बाबा की कल रात्रि 30 मई को हुई थी, जिसमें बेंगलोर के निरंजन सारड़ा जी ने बहुत सुंदर भजन की प्रस्तुत दी और अनिल तिलकधारी एंड पार्टी दिल्ली के द्वारा सुंदर झांकियां सजाई गई। भंडारा शुरू हो चुका है, सभी बाबा का प्रसाद ले रहे हैं। सभी साईं बाबा का प्रसाद ले रहे हैं। बहुत सुंदर व्यवस्था की गई है प्रसाद के लिए, सभी के लिए। सभी बाबा का प्रसाद ले रहे हैं। छापर के साईं राम मंदिर का दृश्य आप देख रहे हैं। और इस समय भंडारा चल रहा है, सभी प्रसाद ले रहे हैं बाबा का। ये आप देख रहे हैं स्वर्गीय सेठ गौरूलाल जी राठी का पूरा परिवार, सेठ स्वर्गीय लक्ष्मीनाथ जी राठी के भाई और उनके बेटे बेटियां बहुएं सभी आप देख रहे हैं बाबा के चरणों में बैठे हैं। श्री नंदू जी राठी सहपत्नी बाबा का आशीर्वाद ले रहे हैं। बच्चे भी बहुत भक्त हैं बाबा के। पंडित अमित भूषण जी आप देख रहे हैं अपने काउंटर पर मंदिर में। इधर भंडारा चल रहा है, सभी भंडारे का प्रसाद ले रहे हैं। भंडारे का दृश्य आप देख रहे हैं, सभी श्रद्धा से प्रसाद ले रहे हैं। साईं राम मंदिर का दृश्य आप देख रहे हैं। छापर के दिव्य खूबसूरत श्री साईं राम मंदिर का दृश्य आप देख रहे हैं जहाँ पर मंदिर का वार्षिक उत्सव स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। बहुत ही खूबसूरत मंदिर आप देख रहे हैं साईं बाबा का, जो कि श्री लक्ष्मी नारायण जी हरिप्रसाद जी नंदू जी राठी परिवार द्वारा निर्मित है। हरिप्रसाद जी सभी का स्वागत कर रहे हैं जो बाबा के वार्षिक उत्सव पर पधार रहे हैं। प्रसाद जी के साले जी और साडू वार्षिक उत्सव की बधाई दे रहे हैं, बहुत अच्छे कार्यक्रम की शुभकामनाएं दे रहे हैं। अब देख रहे हैं सभी बाबा का अमृतमय प्रसाद ले रहे हैं। आने वाले सभी मेहमानों का स्वागत कर रहा है पूरा परिवार राठी परिवार। सभी बाबा का प्रसाद ले रहे हैं और अपने बच्चों को भी खिला रहे हैं।
छापर के गणमान्य लोग आप देख रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं राठी परिवार को। बाबा ये फोटो ले रहे हैं सभी, सभी बाबा का प्रसाद ले रहे हैं। ये था छापर के दिव्य साई राम मंदिर से हमारा खास कार्यक्रम, जहाँ पर स्वर्गीय सेठ लक्ष्मीनारायण जी राठी, हरिप्रसाद जी, नंदू जी राठी परिवार द्वारा निर्मित मंदिर का वार्षिक उत्सव मनाया गया। इस अवसर पर रात्रि में विराट भजन संध्या में आपने देखा बहुत ही सुंदर भजनों की प्रस्तुतियां और झांकियों की प्रस्तुतियां दी गई। बेंगलोर के गायक और दिल्ली के कलाकारों के द्वारा सजीव झांकियां प्रस्तुत की गई और आज बाबा के वार्षिक उत्सव पर बाबा की विशेष महाआरती हुई और उसके बाद में भंडारे का प्रसाद सभी ग्रहण कर रहे हैं। आप एक बार जरूर मंदिर के दर्शन करने के लिए आएँ। दो साईनाथ मंदिर हैं यहाँ पर छापर में, एक रतनगढ़ रोड पर है और ये शहर के बीच में है और बहुत दिव्य अलौकिक मंदिर, जहाँ पर भगवान साईनाथ की विराट दिव्य मूर्ति सिंहासन पर विराजमान है और आपको आशीर्वाद देती है। ऐसे सुधगले में शिव कुमार तिवारी अपने सहयोगी अरमान के साथ, आप सबका धन्यवाद, नमस्कार।